बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, समर 2010 के पेपर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 मार्क्स का। ये कह रहे द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जीपी, पहली बात तो जीपी है। द फर्स्ट टर्म इज 12, यानी ए 12 है, एंड द सेकंड टर्म इज -6, सेकंड टर्म -6 है। फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, पहले तो टेंथ टर्म मालूम करना है। देखिए ए 12 है जीपी का, ए 2 जो है -6 है, और ये कहता है टेंथ टर्म मालूम करें। तो सबसे पहले आर देखो क्या होगा, आर क्या होगा, ए होगा ए 2 अपॉन ए के आर, तो -6/12 यानी -1/2, आर की वैल्यू -1/2 आ गई। अब टेंथ टर्म चाहिए, देखिए आर हमेशा क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करना या थर्ड को फर्स्ट, ये हमेशा आर ऐसे मैंने कहते हैं जिसको कॉमन रेशियो कहा जाता है। अच्छा, अब जो ए 10 है, जो जनरल फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एंथ टर्म का, वो होता है ए इंटू आर पावर एन -1। तो ए 10th हो जाएगा, ए की वैल्यू दी हो ये फर्स्ट टर्म 12 है, आर है -1/2 पावर एन -1, एन हमें जो है ना एन इसने 10th टर्म कहा है तो एन 10 ही है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू -1/2 पावर 10। अगर ये -1/2 पावर ये एन -1 एन 10 -1 होगा सारी, ये हो जाएगा -1/2 होल पावर 9, यानी हो जाएगा 12 इंटू -1/2 होल पावर 9। तो ये हो जाएगा 12 इंटू -1/2 होल पावर 9 करें तो ये आता है -1/512। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैसे कैलकुलेटर सिंप्लीफाई कर दें तो ये आता है -3/ क्योंकि इसके 4 इसके भी टेबल जा रहा है 3 टाइम्स और 4 इसके डिवाइड करेगा तो ये आता है 128। तो हमारा जो टेंथ टर्म है वो बेसिकली -3/128 है आंसर। सेकंड पार्ट इसका ये कह रहा है कि सम टू इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी मालूम करें, सम टू इन्फिनिटी हमेशा होता है सेकंड पार्ट में कि एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो एस ए की वैल्यू हमारी यह है, ए की है 12 अपॉन 1 माइनस आर यानी 1 माइनस आर की वैल्यू है -1/2, तो ये कर देते हैं एस इक्वल टू 12 और ये डिवाइडेड बाय कर देते हैं 1+1/2 के इसके नीचे 1, तो एस इक्वल जाएगा 12 डिवाइडेड बाय ये 3/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो एस इक्वल जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 तो ये 4, तो एस आ जाएगा 8 के हमारा। तो सम टू इन्फिनिटी जो आ रहा है वो 8 आ गया।